कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह नौबस्ता इलाके के उस्मानपुर में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी में पहुंचा था। मनोज सिंह की भनक लगते ही पुलिस नेता की पार्टी में पहुंची और मनोज सिंह को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगी। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता नारायण सिंह को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस टीम को घेर लिया और मनोज सिंह को ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेता के बीच जबरदस्त नोकझोंक और भिड़ंत भी हुई। वहीं मौका पाते ही कुछ लोगों ने जीप में बैठे बदमाश को भगा लिया और पुलिस देखती रह गई। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर है। मनोज सिंह पर 25,000 रुपये का इनाम भी है। इसके खिलाफ मारपीट, हत्या और बलात्कार जैसे 27 मुकदमे चल रहे हैं। वहीं मनोज सिंह को छुड़ाने और पुलिस के काम में बाधा डालने वाले बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। नारायण सिंह भदौरिया के खिलाफ भी हत्या की कोशिश और हत्या के कई मामले चल रहे हैं। साउथ कानपुर की DCP रविना त्यागी ने बताया कि मनोज सिंह को छुड़ाने वाले सभी बदमाशों की पहचान कर ली गई है। वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी ने बताया कि वांछित अपराधी को पुलिस हिरासत से भगा ले जाने और पुलिस के काम में बाधा डालने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसी अफवाह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वांछित अपराधी को वहां से भगाया था। अपर पुलिस आयुक्त ने इस बात की पुष्टि की और गेस्ट हाउस में जन्मदिन पार्टी बीजेपी नेता की थी, लेकिन नेता का दावा है कि उस समय वो वहां नहीं थे और ना ही उनका इस घटना से कोई संबंध है। पुलिस ने उस गेस्ट हाउस के मैनेजर पर भी मुकदमा दर्ज किया है जहां पर बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी। तो इस तरह की सनसनीखेज घटना कानपुर से सामने आई है जहां एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से भगा दिया गया है। इस मामले में जो भी आगे के अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए JJN News के साथ। नमस्कार।